मुख्यमंत्री जा रहे हैं इसमें, हरियाणा के मुख्यमंत्री? नहीं, अच्छा, मुख्यमंत्री हमने कहीं के नहीं बुलाया, मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में जहां एक तरफ सभी लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। आपको बता दें, हरियाणा से करीब 200 लोगों को इस समारोह में जाने की अनुमति मिली है, जिसमें 125 के आसपास साधु संत हैं, तो वहीं 75 से 80 उद्योगपति और खिलाड़ी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पकड़ू.com से खास बातचीत के दौरान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने बताया कि अयोध्या में प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को देखते हुए मुख्यमंत्री को बुलावा नहीं दिया गया। इसके साथ ही अगर हम हरियाणा में राजनीतिक व्यक्ति के निमंत्रण की बात करें, तो केवल जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को राम मंदिर समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। क्या इसमें पॉलिटिकल लोग भी कुछ शामिल हैं? नहीं। मुख्यमंत्री जा रहे हैं इसमें, हरियाणा के मुख्यमंत्री? नहीं। अच्छा, मुख्यमंत्री हमने कहीं के नहीं बुलाए। अच्छा, तो इसमें इसका कारण है कि प्रधानमंत्री वहां पर हैं जी, तो इस कारण से ज्यादा प्रोटोकॉल वाले लोगों को बुलाना ये वहां की व्यवस्था के लिए समस्या निर्माण करता है, इसलिए प्रधानमंत्रियों को मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया है जी। संगठन से किस किस स्तर के पदाधिकारी को बुलाया गया है सर? संगठन से जी, विश्व हिंदू परिषद से, आरएसएस से? हाँ, विश्व हिंदू परिषद के, जैसे मैं हूँ, केंद्र का दायित्व है संयुक्त महामंत्री जी, जी, और विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जी, केवल इनको बुलाया गया है। और आरएसएस से भी? हाँ, आरएसएस से भी क्षेत्र संघचालक, प्रांत संघचालक जी, इस स्तर के लोगों को बुलाया गया है। हरियाणा में कितने मंदिरों में उस दिन यह उत्सव होगा सर? एक मोटा सा अनुमान है जी कि उस दिन लगभग 20,000 मंदिरों के अंदर इस प्रकार का कार्यक्रम किया जाएगा। अच्छा, हरियाणा के दूसरे दल से, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या इनेलो या जेजेपी, इन दलों से भी बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है सर आने के लिए? नहीं, उनको नहीं बुलाया गया है। ना ना, कांग्रेस के अखिल भारतीय है, उनको बुलाया गया है जी। हरियाणा से केवल जेजेपी के अजय चौटाला को निमंत्रण दिया है जी, क्योंकि वो जेजेपी के अध्यक्ष हैं जी, बाकी तो कोई अर्थ नहीं रखते। फिलहाल प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को देखते हुए ये पूरा फैसला लिया गया है, और यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अयोध्या आने का निमंत्रण नहीं दिया गया। फिलहाल 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। ऐसे में हरियाणा में के अलग अलग इलाकों में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।